अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा की। अब आपको आगरा लिए चलते हैं, जहां गली मोहल्ले के साथ साथ हर वार्डों में न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच रही है और जमीनी तौर पर विकास कार्यों की पड़ताल कर रही है। और इसी दौरान न्यूज़ वन इंडिया की टीम आगरा पहुंची हुई है और निकाय चुनाव के साथ साथ बीते सालों में हुए कार्यों के बारे में पड़ताल की है। प्रभु के नाम से चल रहा है और सभी हमारे जो 1100 रुपये मासिक के सहयोगी है उन्हीं से सारे व्यापारी वर्ग है, पूरे बाजार का सारा व्यापारी वर्ग जुड़ा है, उन्हीं की सहायता से ये सब चल रहा है। पूरे दिन भर में कितने लोग यहाँ पर आते हैं और केवल जैसे अपने बाढ़ के लोग या सभी लोग, किस तरह के लोग यहाँ पर भोजन करते हैं? सभी गरीब लोग जो मतलब मजदूर वर्ग है, जैसे मजदूरी करता है, शटरिंग करते हैं, काफ़ी लोग हर तरह का मजदूर वर्ग आता है उनके सामने। सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग यहाँ पर, सबसे ज़्यादा मजदूर वर्ग उन्हीं के लिए। अशोक जी, कैसे इस तरह की प्रेरणा मिली आपको कि इस तरह का बड़ा कार्य करना है? पता नहीं ईश्वर ने कैसे मुझे बदला है, वो मैं समझ नहीं पाया, खुद नहीं समझ पा रहा हूँ। लोगों से कुछ अपील करना चाहें? काफ़ी लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग हैं, कुछ लोग गरीब लोगों के लिए। मेरी यह अपील है, ऐसे प्रभु के नाम। तो देखिए, ये आगरा की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए वार्ड दर वार्ड आगरा में भी लगातार हमारे सहयोगी हर एक वार्ड की तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, किस तरह से उनके पार्षद काम कर रहे हैं और कितने इन 5 सालों में जो वायदे किए गए थे, कितना उन वायदों पर खरे उतरे हैं और कितना विकास कार्य उनके वार्ड में हुआ है, ये जानना बेहद ज़रूरी होता है। और देखिए, अब कहीं ना कहीं निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा और इसके लिए कहीं ना कहीं राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो अपनी कमर कस चुके हैं और हर वार्ड में पहुँच कर जायज़ा ले रहे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी कृष्णा त्यागी भी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। कृष्णा, देखिए, आप लगातार आगरा के हर वार्ड में जा रहे हैं, हर एक तस्वीर जनता तक पहुंचा रहे हैं कि आखिर जमीनी हकीकत क्या है, जो जनप्रतिनिधि है, जो पार्षद है, उन्होंने 5 सालों में कितना विकास कार्य किया है और उनके कामों से जनता कितनी खुश है या फिर नाराज है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, कल हमने वार्ड नंबर 91 का रियलिटी चेक किया था। वहां पर एक सबसे बढ़िया नजारा जो देखने को मिला था कि वहाँ की जितने भी अधिकतर लोगों से बातचीत की तो सब लोगों ने पार्षद के विकास कार्यों की जमकर प्रशंसा की और वहाँ पर बताया था कि जो भी वायदे किए थे लगभग 70% पूरे किए हैं। और सबसे बड़ी अच्छी बात वहाँ पर ये रही कि वह पार्षद द्वारा व्यापारियों के सहयोग से 10 रुपये में भरपेट भोजन की एक रसोई भी चलाई गई। तो इस करीबन उस रसोई में करीबन पूरे दरबार में 400 लोग कम से कम खाना खाते हैं। इस तरह के कई कार्य इस वार्ड में देखने को मिले। वहीं वार्ड 55 की जैसे हमने हालत दिखाई तो वार्ड 55 में पार्षद का इतना विरोध मिला कि वहाँ पर कह सकते हैं कि पार्षद द्वारा वहाँ सभी लोगों ने लोगों में नाराजगी देखी गई। लेकिन वार्ड 91 की जो तस्वीर थी कुछ अलग थी। वहाँ पर यह शौचालय की बात करें, सफाई की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें तो वह काफी बेहतर देखने को मिली। इसका कारण उन्होंने पार्षद ने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा महापौर और विधायक का भी पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि ये जो वार्ड है महापौर का स्थान भी है, क्योंकि यहाँ पर निवास स्थान भी है महापौर का, ये भी कारण है। और सबसे ज्यादा इस वार्ड में सबसे ज्यादा ये देखने को मिला कि विधायक और जो महापौर हैं, आए दिन उनका आवागमन और लोगों का वो रुझान भी रहता है। और यहाँ व्यापारी हो या सभी लोग अधिकतर जागरूक हैं और सबसे ज्यादा जो अपराध के मामले पर भी यहाँ पर सबसे ज्यादा अंकुश रहा, क्योंकि पार्षद द्वारा व्यापारियों द्वारा ये जागरूक किया गया वहाँ के लोगों को कि अधिकतर लोग अपने घरों में संस्थानों के सामने CCTV कैमरा लगाएं, जिससे लूट जैसी घटनाएं कम रहें, चैन स्नैचिंग की घटनाएं कम रहीं। तो निश्चित तौर से वार्ड 91 की जो तस्वीर थी वह सबसे अलग देखने को मिली जी। इसके साथ ही साथ कृष्णा, देखिए, जहां पर एक तरफ जनता का मिजाज थोड़ा खुश नजर आया तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं नाराजगी भी जाहिर हो रही है। इस बीच पार्षद जो है उनका क्या कुछ कहना है, वो अपने किन कामों को लेकर जनता के बीच जाने वाले हैं, इसके साथ ही साथ जो अन्य प्रत्याशी होने वाले हैं वो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगी? बिल्कुल, पार्षद से हमने बातचीत की थी तो पार्षद का कहना था कि जो मैंने वायदे किए थे उसमें मैंने करीबन 70% से ज्यादा अपने विकास कार्यों को कराया है। और जो अभी मेरे वार्ड में एक ही गली ऐसी नहीं है जो कच्ची रास्ता हो और कई
कुछ गलियां अभी भी ऐसी हैं जहां पर जो पुराने जो खड़ंजे बने हैं, अब जैसे और कई जगह ऐसी हैं जहां शौचालय की आवश्यकता है, रसोई को भी एक जगह और इस अलग जहां पर भीड़ ज्यादा रहती है या मंदिर वाला स्थान रहेगा वहां पर अभी एक जगह और यहां पर। चलिए कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया।